हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि की दुनिया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टे सेफ। तो मैं आज आप लोग के पास था मतलब टॉप से फोर या टॉप फाइव अफोर्डेबल होममेड स्किन केयर आप लोग के साथ रूटीन अपना मैं ये शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, घर में सबके अवेलेबल होता है, बाहर से कुछ मंगाने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, घर में होता ही है। तो मैं आज आप लोग के साथ ये तीन से चार स्टेप फॉलो करने वाली हूँ। चाहे अगर आप ब्राइड टू बी हैं या हाउस वाइफ हैं, लड़कियां हैं या कोई भी है, ये सब इसको फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कर रही हूँ क्लिंजिंग। क्लिंजिंग अपने फेस का मैं कर रही हूँ दही के पानी से। जो दही जमा होता है ना उसके ऊपर जो वाटर होता है ना, उससे वो क्या होता है ना, मिल्क से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। मिल्क तो अपनी जगह पर वर्क करता है, बट ये जो दही है ना, दही अपनी जगह पर वर्क करता है, दोनों का अलग अलग ही है। तो मैं यहाँ इसमें डिप कर ली हूँ कॉटन पैड से। अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो कोई भी आप कॉटन क्लॉथ से आप कर सकते हो, लाइक टॉवल वगैरह होगा उससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से क्लीन करना है, मैक्सिमम 5 to 6 मिनट करना है। यहाँ वीडियो मेरे को शूट करना पड़ता है ना, इसकी वजह से ना मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, बट मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है ना। 30 मिनट्स का मुझे लगता ही है ये स्किन केयर करने में, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। एंड सेकेंडली मेरा क्या आता है ना, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्क्रब पैक बना दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया था 1 चम्मच और यहाँ पे 1 चम्मच दही लिया था, ठीक है। वो क्लिंजिंग करने के बाद मैंने अपने चेहरे को एकदम अच्छे से वॉश कर लेना है, देन अच्छे से उसको वाइप कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडली हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे यहाँ पे स्क्रब करना। तो स्क्रब आप अच्छे से कीजिएगा, स्क्रब कम से कम 8 to 10 मिनट्स कीजिएगा, क्योंकि इसमें चावल का आटा है। एंड आप इसको मतलब आप अपने नेक को कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो शूट करती हूँ, मैं पूरा नेक नहीं कर पाती हूँ कवर, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल सा लगता है, कपड़े वपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो मैंने नेक को कवर नहीं किया। आप लोग प्लीज़ नेक जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अगर घर पर करती हूँ तो मैं नेक को भी करती हूँ एंड हैंड को भी अपने साथ लेके चलती हूँ, हाथ को भी मैं करते रहती हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। घर पर आदमी फ्री होता है आराम से कर लेता है, बट वीडियो जब बनाना होता है तो मैं फेस पर ही अप्लाई करके बताती हूँ। आप लोग जरूर नेक को कवर कीजिएगा, हैंड को भी कवर कीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे अपने लिप को भी कर रही हूँ स्क्रब, क्योंकि देखो लिप भी हमारा एक स्किन का मतलब फेस का ही पार्ट है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और होता नहीं कि फेस पे एंड लिप पे जो हमारा जो बाहर का होता है प्रोडक्ट वो नहीं लगाने के लिए, वो अलग अलग आता है, बट आप अगर होम मेड कुछ कर रहे हो ना तो आप अच्छे से लगा सकते हो लिप पे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बहुत अच्छा हो जाता है इससे स्किन। मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये चावल का आटा से एक तो पूरे दाग धब्बे जितने होते हैं उसको हाइड करने का काम करता है, और थोड़ा सा जिसका ब्लैक फेस है या कुछ भी है तो उसमें थोड़ा सा उसको कम करने में भी काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइसिंग करूँगी, मेरे को आदत है मैं हाथ से कर लेती हूँ। अगर आप लोग के पास हाथ से आप नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे ही टॉवल में लेके, कॉटन टॉवल में लेके उसमें आप रख के आप उस तरीके से अपने फेस की सिकाई कर सकते हो बर्फ़ से। इससे क्या होता है ना कि आपका स्किन टाइट हो जाता है एंड बहुत ही अच्छा अगर ठंडा रहेगा ना जितना, तो उतने देर तक आपका एक तो मेकअप भी स्टे करता है ना। एंड मेरा यहाँ फोर्थ स्टेप था ना ये मसाज का, ठीक है। अगर आपके पास कोई मसाज क्रीम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लाइक कोकोनट ऑयल हो गया या कोई इसेंशियल ऑयल है उसको मिक्स करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे ही फेस क्रीम से कर रही हूँ यूज़, यहाँ पे मसाज कर रही हूँ। मसाज जेंटली करना है, बहुत अच्छे से मसाज करना है। मसाज जितना आप करोगे उतना अच्छा है, आपके डबल चिन भी कम होते हैं मसाज करने से। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जो हमारे फेस पे होता है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है, एंड क्या होता है ना जो भी ब्लड सर्कुलेशन बंद रहता है वो भी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फेस ऐसे ही ग्लो करता है। तो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं पार्लर में नहीं जाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ या कुछ भी, तो आप घर पे इस तरीके कैसे करोगे ना, आप कोई भी स्किन केयर कर रहे हो लास्ट में एक बार मसाज जरूर करना, आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। तो ये मेरा तीन चार स्टेप था जो कि मैं इसको फॉलो करती हूँ वीकली, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, मैंने ट्राई किया है इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना तो मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ क्या क्या नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैंने यही सब किया। ये कितना अच्छा वीडियो है गाइज, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए आए हो तो प्लीज़ सबको शेयर भी करना। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बैक जाके भी देखो, बहुत सारा मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मिनी ब्लॉग्स वगैरह भी देखो, कमेंट जरूर किया करो, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। देख लो मेरा स्किन कितना अच्छा हो गया है, आप भी कर सकते हो ये सब ट्राई घर पर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट में बताने के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल।